हेलो स्टूडेंट, तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है हमारा बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये हमारा फंक्शनल एनालिसिस का ही, क्योंकि वही हमारा चल रहा है इस टाइम। ठीक है, तो इसमें हम आपको क्या है इसकी डेफिनेशन बताने वाले हैं दोनों की, कि डेफिनेशन उसकी क्या होती है। लेकिन इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, लीनियर ऑपरेटर, ये आपको पता होना चाहिए कि लीनियर ऑपरेटर हमारा क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है इस पर, और वो वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी है, और उसका लिंक मैं क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले जाकर आप लीनियर ऑपरेटर को देखें कि लीनियर ऑपरेटर हमारा क्या होता है, उसके बाद ही यहाँ पर आए कि बाउंडेड और जो हमारा कंटिन्यूस है वो लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं, तब ये देखें वीडियो। इससे क्या है आपको आसानी होगी इसको समझने में। ठीक है, तो हम क्या इसको स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारा बाउंडेड एंड कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं। सही है, तो पहले हम पढ़ने वाले बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। सही है, अब क्या है इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। सही है, तो इसकी डेफिनेशन है कि लेट एक्स एंड वाई नॉर्म्ड स्पेस, जो एक्स और वाई हैं वो हमारे क्या है नॉर्म्ड स्पेस है। ठीक है, अगर आपने नॉर्म्ड स्पेस भी आपको नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक भी मैं क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर नॉर्म्ड स्पेस की वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर लेट एक्स एंड वाई वी नॉर्म्ड स्पेसेस, एंड हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है डी डी टी, मतलब डी टी का मतलब है डोमेन। डोमेन ये लीनियर ऑपरेटर जो पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने। ठीक है, तो ये वहाँ जाकर देख लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है डी टी से वाई में, वाई का मतलब जो हमने एक नॉर्म्ड स्पेस लिया है उसके अंदर, तो वो क्या है आ लीनियर ऑपरेटर है। वेयर, जहाँ पर डी टी ये जो डोमेन वाला डोमेन है किसी भी ऑपरेटर का डी टी का, वो क्या है सबसेट है किसका एक्स का, जो हमारे पास पहला वाला जो नॉर्म्ड स्पेस था। तो द ऑपरेटर टी, तब जो हमारा द ऑपरेटर टी यानी जो हमारा ऑपरेटर टी होगा इस सेट टू बी बाउंडेड, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है बाउंडेड है, अगर वहाँ पर क्या करेगा इफ़ देयर इज अ रियल नंबर सी, अगर वहाँ पर कोई जो रियल नंबर सी है। सही है, अगर वहाँ पर कोई रियल नंबर सी एग्जिट करेगा सच डैट फॉर ऑल, सच डैट फॉर ऑल, जिसमें एक्स क्या है बिलोंग्स करेगा किसके अंदर डी टी के अंदर, यानी कि जो भी हमारे पास डोमेन होगा, जो भी हमारे पास ऑपरेटर होगा उसके डोमेन में, अगर वो वहाँ पर कोई रियल नंबर सी एग्जिट करेगा तब। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स के, जो हमारी नॉर्म ऑफ टी एक्स होगी वो क्या होगी लेस देन इक्वल टू होगी किसी रियल नंबर सी और किसके जो होगा वहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स के। सही है, ये सी जरूर ही आएगा क्योंकि सी हमारा क्या है यहाँ पर एक रियल नंबर, अगर ये आएगा तभी क्या होगा वो बाउंडेड जो हमारा टी होगा, ये लिखा ना टी सेट टू बी बाउंडेड, जो टी होगा ऑपरेटर होगा वो तभी बाउंडेड होगा जब वहाँ पर क्या है कोई जो हमारा रियल नंबर सी है वहाँ पर हो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन में कुछ नहीं था, हमारे पास दो नॉर्म्ड स्पेस होंगे एक्स और वाई, और उसमें क्या है एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा डी टी से जो हमारा दूसरा वाला नॉर्म्ड स्पेस होगा वाई में, अगर वो वहाँ पर क्या होगा वाई में तो जो हमारा डी टी है वो किसका सबसेट होना चाहिए एक्स का, तब जो हमारा टी होगा वो क्या होगा इस सेट टू बी बाउंडेड, टी जो होगा हमारा बाउंडेड होगा अगर वहाँ पर कोई रियल नंबर सी आता हो तो, फॉर ऑल जिसमें एक्स बिलोंग करेगा डी टी के अंदर। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू जो हमारा वहाँ पर रियल नंबर होगा सी एंड किसके नॉर्म ऑफ एक्स के, तो ये हो गई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले डेफिनेशन कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर की। ठीक है, तो वो है हमारी डेफिनेशन, आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर में भी पहले क्या है आपको लीनियर ऑपरेटर पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है, तो आप पहले लीनियर ऑपरेटर देख लें उसके बाद ही आएँ। ठीक है, इस वीडियो को देखने तभी आएँ, पहले वो देख लें। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अब हम देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हमें सीधे पहले ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है डी टी से वाई में, जैसे वहाँ दे रखा था। बी एनी ऑपरेटर, किसी ऑपरेटर पर नॉट नेसेसरी लीनियर, अब उसकी क्या है जो ऑपरेटर है वो नॉट नेसेसरी की लीनियर की, वो मतलब कंडीशन में यह है कि वो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो लीनियर हो। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, लीनियर हो। और वेयर जो हमारा डी टी डोमेन है वो सबसेट है एक्स का एंड एक्स एंड वाई नॉर्म्ड स्पेस। यहाँ तक अगर आप डेफिनेशन देखेंगे बस यही अलग है, बाकी सेम पूरा का पूरा वही है। तो द ऑपरेटर टी इज कंटिन्यूस, तो जो हमारा टी होगा, यहीं से डेफिनेशन पीछे भी अलग थी बाउंडेड वाले में, यहाँ पे भी अलग है। द ऑपरेटर टी इज कंटिन्यूस, हमारा टी तब कंटिन्यूस होगा एट एन, तब होगा जब जो हमारा एक्स नॉट जो होगा वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, डी टी के अंदर, सही है, डी टी के अंदर। इफ़ फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन होगा जीरो से, और देयर इज अ डेल्टा ग्रेटर देन होगा जीरो से, सच डैट, सही है। इसमें हमें दो से तीन चीज़ें दे रखी हैं जो हमें इसमें डेफिनेशन में बताई गई हैं कि टी इज़ कंटिन्यूस, टी किस पर कंटिन्यूस होगा, एट एन, जहाँ पर क्या हो, जो हमारा एक्स नॉट है वो बिलोंग करे डी टी, यानी किसी भी लीनियर ऑपरेटर के डोमेन में। इफ़ अगर वो ऐसा मतलब बिलोंग्स करेगा एक्स नॉट, तो इफ़ फॉर एवरी, तो जितने भी हमारे एप्सिलॉन होंगे वो ग्रेटर देन होंगे जीरो से, और देयर इज जो हमारा डेल्टा होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा जीरो से, तो सच डैट हम ये लिख सकते हैं कि नॉर्म एक्स माइनस एक्स नॉट ये क्या होगा, लेस देन होगा डेल्टा से, सही है, पहले लिखेंगे ये, सही है। अब इसमें अगर हम कोई भी क्या ले लें, लीनियर ऑपरेटर टी, सही है, अगर कोई भी ले लें लीनियर ऑपरेटर टी, सही है, क्योंकि वहाँ पर हमने पहले डेल्टा लिया था। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई एक्स जीरो किस में आया था, किसी ऑपरेटर के डोमेन में, तब क्या होता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टी एक्स नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एक्स जब बिलोंग्स करेंगे डी टी के अंदर, जब एक्स बिलोंग करेगा डी टी के अंदर, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगी तो हम लिख सकते हैं टी इज कंटिन्यूस, तब क्या होगा, टी कंटिन्यूस होगा, यहाँ पर लिखा ही था कि टी कंटिन्यूस होगा इन पॉइंट पर अगर एक्स नॉट क्या है, बिलोंग्स करेगा डी टी में, इफ़ फॉर एवरी, वहाँ पर जो एवरी एप्सिलॉन होगा वो ग्रेटर देन होगा जीरो के, और जो डेल्टा होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा जीरो से, तो टी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इफ़ टी इज़ कंटिन्यूस एट एवरी, अगर टी जो होगा हमारा, टी कंटिन्यूस होगा एट एवरी पॉइंट, जो एक्स बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, डी टी के अंदर, जो एक्स होगा जो बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, डी टी के अंदर, तो हम लिख सकते हैं नाउ जो हमारा टी होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। अगर टी क्या है हमारा, कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट, जिसमें क्या है, एक्स बिलोंग करेगा डी टी के अंदर, तो जो हमारा टी होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो मेन इसमें पहले आपको लीनियर ऑपरेटर पता होना चाहिए, ठीक है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। तो ये जो दोनों डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पर बता दी हैं, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आई हो तो वो क्या है, आप कमेंट में वहां से उस पॉइंट को लेकर कमेंट कर देना, मैं वहां पर कमेंट में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब क्या है कि ये जो टॉपिक हमने लिया था, इसकी जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पर खत्म, मतलब मैंने समझा दी है। अब क्या है, अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स चाहिए हो तो उसकी क्या है, मैंने पहले से एक प्लेलिस्ट बना रखी है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके के और भी टॉपिक आप चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, जितनी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जा सके, ठीक है। तब तक आप वीडियो को वॉच करें, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में।